नमस्कार दोस्तों, मैं देसी ट्रेवलर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अमृत धारा जलप्रपात, जो चिरमिरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर और बैकुंठपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दिए गए हैं ताकि लोगों को खतरा ना पहुंचे। हम चलते हैं वाटरफॉल के और करीब, और बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन पर्यटकों का आना कम नहीं हुआ है, लगातार यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं वाटरफॉल को। चलिए चलते हैं और नज़दीक से वाटरफॉल का व्यू देखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है हमारे कौशल भाई यहाँ पर देख सकते हो टाइम लैप्स लेते हुए। कौशल भाई, सब टाइम लैप्स अभी जस्ट कंप्लीट किया हूँ, अभी फोटोग्राफी कर रहा हूँ। ये जो स्थान है लोकेश भाई और आपके जितने व्यूवर्स हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि आप आइए और यहाँ पे आप ज़रूर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्त यार के साथ। बहुत ही खूबसूरत जंगल, नदी, झरना, झाड़ी, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ जो ये सुकून, ये ठंडी ठंडी हवाएं, जो धूप निकला हुआ है फिर भी जो ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हैं, काफ़ी सुकून है। तो आप यहाँ पे आइए, फिलहाल इस वीडियो में लोकेश भाई के साथ आप इंजॉय कीजिए अमृत धारा को। तो चलिए दोस्तों, आपको और भी करीब से दिखाता हूँ अमृत धारा जलप्रपात। दोस्तों, आगे बहुत ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता है, बाउंड्री वाल तो लगाया गया है लेकिन आप नज़दीक जाते हैं तो फिसलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। आप कभी भी यहाँ आते हैं तो थोड़ा दूर से ही नज़ारे का लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों, ये अलग ही प्रकार का, ये देखो ऐसा कुंड जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन आप देखेंगे तो ये वाला पत्थर आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इस यहाँ से इस गड्ढे तक इस पार देखेंगे तो ये देखो आर पार गड्ढा दिखाई पड़ता है। बहुत ही बेहतरीन मॉडल। मैं 10th क्लास में था तो मैं बंक मार के आता था, फिर मैं 10th क्लास के बाद 12th क्लास में आया था, फिर कॉलेज टाइम में आया था, फिर अपने दोस्तों के साथ एक साल पहले यहाँ का वीडियो बनाने आया था। अब फाइनली यहाँ का एक बेहतरीन वीडियो जो है आपके बीच आने वाला है। यह एक चीज़ है मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में अपन गरियाबंद को देखे तो लगभग वहाँ 50 से भी ज़्यादा वाटरफॉल है, उसी प्रकार से बस्तर में है, कोरिया में है, लेकिन एक ऐसा वाटरफॉल अभी देखा हूँ पहली बार जिसका संरक्षण थोड़ा किया गया है, गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दिया है, बाकी का ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा फेमस, लास्ट के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। रामदहा वाटरफॉल या जो गौर घाट है इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसका व्यू तो, ये तो खतरनाक भी है, वो सेफ भी है। अगर उसको डेवलप किया जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए, रोड देखे हुआ बहुत गंदा, इतना गंदा यार, बट ये सब चीज़ को अगर ध्यान दिया जाए तो छत्तीसगढ़ को अगर हम गोवा भी बनाए ना तो बन जाएगा, इतना अच्छी अच्छी जगह है। ये 2 दिन का एक्सपीरियंस, जो नदी वाला जो एक्सपीरियंस, पहाड़ वाला जो एक्सपीरियंस है ना,
धर्मशाला एक सप्ताह में तो मैं पागल हो गया भाई, मतलब इतना खूबसूरत जगह, बस थोड़ा सा खोजना बाकी। बोला जाए तो जो अपने छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है भाई। दोस्तों इस तरफ देख पा रहे होंगे यहाँ आगे में वाटरफॉल बनी है, काफ़ी अच्छे सड़कें बनाई गई है इधर तक, और यहाँ पर शिव मंदिर है, छोटा सा पार्क जैसे दिखाई दे रहा है। चलिए लेके चलता हूँ आपको अंदर। लोग कई लोग यहाँ पिकनिक मनाते हुए, बच्चों के लिए झूला बनाया गया है। झूलो 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 थोड़ा झूलाऊं। कैसा लगा? दोस्तों इस छोटे से पार्क के अंदर पीपल का पेड़, आम का पेड़ और ऐसे कई सारे पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा शिव मंदिर है, चलिए चलते हैं और शंकर भगवान जी का आपको दर्शन कराता हूँ। जय श्री राम। ये देख सकते हैं दोस्तों काफी खूबसूरत ये मंदिर है और नीचे में नंदी जी और छोटे छोटे कई फूल दिखाई पड़ रहे हैं। अभी पूजा हुआ है, दोस्तों पार्क के अंदर या बाहर प्लास्टिक के पन्नियों का उपयोग ना करें, अगर आप उपयोग करते भी हैं तो डस्टबिन का यूज़ करें और ऐसे जगह में डिस्पोज कर दें जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और भी खूबसूरत वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।